एक लोक कथा के अनुसार किसी बड़े और ऊंचे पेड़ पर कबूतरों का एक झुंड रहता था। उन कबूतरों में एक बूढ़ा कबूतर भी था। एक दिन बूढ़े कबूतर ने सभी कबूतरों से कहा कि इस पेड़ के तने पर एक छोटी सी बेल है, इसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। ये बेल धीरे धीरे बड़ी होने लगी है। किसी दिन कोई भेलिया इस बेल की मदद से पेड़ पर चढ़ जाएगा और जाल बिछाकर हम सभी को पकड़ लेगा। ये बेल भविष्य में हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। ये बात सुनकर सभी बूढ़े कबूतर का मजाक उड़ाने लगे। सभी कबूतरों ने कहा कि आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए एक छोटी बेल को खतरनाक बता रहे हैं। आप चिंता ना करें, ये छोटी सी बेल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। उस दिन बूढ़ा कबूतर चुप हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और कुछ ही महीनों में वह बेल पेड़ के पूरे तने पर लिपट गई। एक दिन उस क्षेत्र में एक भेलिया आया और उसने पेड़ पर बहुत सारे कबूतर देखे। अगले दिन भेलिया जाल लेकर आया और बेल की मदद से पेड़ पर चढ़ गया और जाल बिछा दिया। उस समय सभी कबूतर दाना चुगने गए हुए थे। शाम को जैसे ही सभी कबूतर उस पेड़ पर पहुंचे तो जाल में फंस गए। कुछ देर बाद बूढ़ा कबूतर भी वहां पहुंचा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। जाल में फंसे कबूतर कहने लगे कि आप उस दिन सही बोल रहे थे, आज इस बेल की वजह से हम सब फंस गए हैं। कृपया कोई उपाय बताएं, हम इस जाल से कैसे बाहर निकलें, वरना अगले दिन भेलिया हमें ले जाएगा। बूढ़े कबूतर ने कहा कि कल जब भेलिया आए तब उसके सामने सभी मरने का अभिनय करना, उसे ऐसा लगना चाहिए कि जाल में फंसे कबूतर मर चुके हैं। वे जाल से सभी कबूतरों को निकालेगा। जब अंतिम कबूतर भी जाल से निकल जाएगा तो मैं सीटी बजा दूंगा और तुम सभी उड़ जाना। अगले दिन जब भेलिया आया तो सभी कबूतरों ने वैसे ही किया जैसे बूढ़ा कबूतर ने बताया था। कुछ ही देर में भेलिये ने कबूतरों को मरा हुआ समझकर जाल से निकाल दिया। अंतिम कबूतर के निकलने पर बूढ़े कबूतर ने सीटी बजा दी और सभी कबूतर उड़कर आजाद। दोस्तों, इस कथा से बहुत बड़ी सीख मिलती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बड़े बूढ़ों की सलाह का अनादर नहीं करना चाहिए। अगर हम उनकी सलाह मानेंगे तो बड़ी से बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। बड़ों का अनुभव हमें बड़े बड़े संकटों से मुक्ति दिला सकता है। जितना बड़ा प्लॉट होता है उतना बड़ा बंगला नहीं होता। जितना बड़ा बंगला होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता। जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता। जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती, परंतु चाबी पूरे बंगले का आधार होता है। इसी तरह मानव के जीवन में बंधन और मुक्ति का आधार मन की चाबी पर ही निर्भर होता है। हे मानव, तू सब कुछ कर पर किसी को परेशान मत कर। जो बात समझ में ना आए उस बात में मत पड़। पैसे के अभाव में जगत 1% दुखी है, समझ के अभाव में जगत 99% दुखी है। दोस्तों, यदि आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।